विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा में संस्कार झलकता है या बच्चों को संस्कारवादी बनाती है, आरपी शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया ने कहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला दतिया में 10 जनवरी को विधिक सेवा प्राधिकरण जिला दतिया के सभागार में विश्व हिंदी दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर विद्वान न्यायाधीश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी शर्मा, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एचके कौशिक, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला जज मुकेश रावत उपस्थित रहे। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय आरपी शर्मा की अध्यक्षता में एडीआर भवन जिला दतिया में किया गया। आरपी शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में जानकारी देते हुए बताया कि हिंदी भाषा हमारी संस्कारी भाषा है या किस प्रकार से संस्कारी है। जिस प्रकार बच्चा किसी छोटे बच्चे से बात करता है तो तुम कहकर बात करता है, अपने से बराबरी के व्यक्ति से बात करता है तो तुम कहकर बात करता है, यदि अपने से बड़े व्यक्ति से बात करता है तो आप कहकर बात करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि बच्चा हिंदी भाषा के प्रति कितना संस्कारवादी है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कई विशेष क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग राज्यीय भाषा, न्यायालय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है। हमारे उच्च न्यायालय में भी हिंदी भाषा में पिटीशन दर्ज करने की अनुमति है। आप हिंदी भाषा में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं एवं बहस भी कर सकते हैं। यदि हमारी हिंदी भाषा को ऐसे ही बढ़ावा मिलता रहा तो हिंदी भाषा संपूर्ण देश की भाषा होगी। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एचके कौशिक द्वारा भी हिंदी की उपयोगिता के संबंध में बल दिए जाने और बताया कि अंग्रेजी चीनी के बाद हिंदी ही सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। क्या कुछ कहा जिला न्यायाधीश आरपी शर्मा एवं अतिथियों ने, देखिए रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। परसों के दिन हम लोग बैठे थे तो जब बात चली कि विश्व हिंदी दिवस का क्या किया जाए, तो एक संगोष्ठी का विचार आया और उस विचार को विचार की परिणति वर्तमान में आपके सामने है। ये एक छोटा सा प्रयास था कि हिंदी विषय के को चर्चा में लाने के लिए हम कहां से शुरुआत करें, तो एक शुरुआत के तौर पर इस कदम को देखा जाए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 से प्रारंभ है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट दिवस का जो उद्देश्य है वो विश्व पटल पर हिंदी को पहुंचाना है। हिंदी की विषय में जो यहाँ के अभी सभी अतिथिगण ने विद्वान ने जो अपने विचार व्यक्त किए उनको मैं समेकित करके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करूंगा। साथ साथ माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार हम शासन स्तर पर भी इनको भेजने का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथिगण उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा साहब द्वारा और आदरणीय श्री कौशिक साहब द्वारा अपने मूल्यवान समय में से जो समय निकाला है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डायरेक्टर साहब ने एक बात कही है कि हिंदी भाषा संस्कारवान भाषा है। मैं इस पर विचार कर रहा था कि संस्कारवान कैसे है। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे को भी सब जो काम में लेते हैं वो यू सब काम में लेते हैं। देखिए मैंने हिंदी में यदि छोटा है तो तुम है, बराबर का है तो तुम है और अपन से बड़ा है तो आप सब का यूज करते हैं। उस आप सब से अपन समझ जाते हैं कि बच्चा कितना संस्कारवान है। इसलिए हिंदी हमें संस्कार सिखाती है। हाँ इंग्लिश भाषा हमारी आज कुछ सेवा तक अनिवार्यता भी है, लेकिन धीरे धीरे हिंदी के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है। हमारे न्यायालयों में हिंदी भाषी क्षेत्रों में सभी जगह जिला न्यायालय तक हिंदी में काम होता है। उच्च न्यायालय में भी अब ये सुविधा दे दी गई है कि आप हिंदी में पिटीशन पेश कर सकते हैं, अपने आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, फैसला देने को आपने भी इंग्लिश में होता है। लेकिन यदि इसी तरह चलता रहा तो निश्चित रूप से कुछ वर्षों पश्चात अपने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी हिंदी में काम होने लगेगा।
हमें इंग्लिश भाषा को अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।